ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने व्हाइट स्नीकर्स खरीदे हैं। वेल हे गाइस, वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे कि रोडस्टर ब्रांड्स का जो व्हाइट स्नीकर फॉर मैन जो मैंने परचेस किया वो किस तरीके का है और आपको क्या इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए वो भी आप कंसिडर कर पाएंगे। उसका भी हम एक डिटेल्ड रिव्यू आपको मतलब फीडबैक आपको देंगे कि आपको खरीदना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है बॉक्स की पैकेजिंग, क्योंकि ये ऑनलाइन था परचेस था तो थोड़ा सा बॉक्स डैमेज हो जाता है। जो प्राइसिंग लिखी हुई है 2799, लेकिन बहुत कम दाम में मिल जा रहा है। बहुत कम दाम का मतलब कि अच्छा डिस्काउंट आपको देखने मिल रहा है, 30-40% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डेफिनेटली अगर अवेलेबल है प्लीज़ जाके बाई कर सकते हैं। मित्रा से ये खरीदा है मैंने और चारों तरफ यहाँ पे ब्रांडिंग देख रहे हैं, आगे पीछे दोनों साइड से ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि टाइम टू टाइम जो मैंने अपने शूज़ कलेक्शन में थोड़ा सा अपडेट किया तो उस वजह से मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि चलिए मैं आपके साथ साझा करूँ। इसे मैंने 5-6 दिन पहले ही मंगाया था लेकिन मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे सामान थे तो उन्हें रिव्यू करना था। ठीक है, जहाँ तक इसकी बात है, यहाँ पे रेड सिंबल पता नहीं किस लिए दिया, ये कुछ आइडिया नहीं है। चलिए अंदर खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको स्लिप मिलता है, वॉइस मिलता है और एक मित्रा का मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। चलिए मैं आपको शूज पहले खोल के दिखा देता हूँ या दिखा देते हैं हम आपको मित्रा का क्या है। ये कि ये जो मित्रा के हैं ना, मतलब स्पॉन्सर या कह सकते हैं कि मेन ब्रांड्स हैं जो मित्रा पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये है बहुत अच्छा, बहुत कूल, और एक मॉडल को देखा हुआ था मैंने इसे पहनते हुए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये जो शूज़ हैं वो आपको रिव्यू करके दिखाऊं। और बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा, और इतना अच्छा क्वालिटी का शूज़ आपको मतलब बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। जितने भी स्नीकर्स होते हैं ना, अगर आप शोरूम्स में खरीदे जाएंगे तो आपको 10% का भी छूट नहीं मिलता, 5% का भी नहीं, 100-200 भी कम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मित्रा पे अच्छे ऑप्शंस हैं, अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस टाइप का अगर खरीदना चाहते हो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में, यानी मुझे तकरीबन आपको 1500 से 1600 रुपये पड़े हैं इसको। ठीक है, टाइम टू टाइम जो पैसे होते हैं या चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती है, और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत खूबसूरत है। आप इसे जींस पे जब ट्राई करेंगे ना, बहुत खूबसूरत है। जो लेसेस हैं वो तो मैंने बांध के रखे हैं, लेकिन लेसेस को अंदर आप ढक के रख दीजिएगा तो और खूबसूरत है। पीछे जो ये लेदर फिनिश टाइप का है, लेकिन प्योर लेदर नहीं है, आप कहते हैं फैब्रिक लेदर जिसे बोलते हैं, वो उस टाइप का है, और कंफर्टेबल बहुत अच्छा है, स्पॉन्जी है हल्का सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन स्पॉन्जी है, तो आपको कंफर्टेबली आप आराम से होंगे, क्योंकि आजकल जो शूज़ हैं आपको अभी लाइफस्टाइल के अपडेट के हिसाब से, यानी अभी टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं और बहुत अच्छा। ब्लू जीन्स में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप चाहे मंकी वास पहने या फटे जीन्स पहने, वो डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं। उस वजह से ये ब्रांडिंग, ये शूज़, वाइट शूज़ अगर आपके कलेक्शन में नहीं है तो आपको एक तो लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम चल रहा है, अभी क्या है कि अलग अलग बॉम्बर जैकेट्स पहनेंगे, कुछ भी पहनेंगे, ठंड का मौसम है तो अलग अलग अगर स्टाइल से आप पहनेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा अलग लगेगा। देखिए इसके, चाहे वो लेसेस हो, बात हो जाए स्टिचिंग की हो, या यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया, एक अलग तरह का मटेरियल, एक कपड़ा नहीं है लेकिन कुछ कपड़े में अलग कुछ मिक्स करके है। ठीक है, ताकि इसमें जो एक शाइनिंग नेचर है वो, और जो सोल है वो भी काफ़ी मीडियम में, कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा छोटी नहीं है। और ये ब्रांडिंग का स्टिकर साथ में मिलता ही है यहाँ पे, यहाँ भी देखिए प्राइसिंग लिखी हुई है 2799। ठीक है, तो रोडस्टर ब्रांड का इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब फैमिलियर हूँ, और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, रोडस्टर के टी शर्ट्स मंगाए हैं। आने वाले दिनों में आपको मार्क एंड स्पेंसर के जो कॉटन टी शर्ट्स होते हैं, क्योंकि गर्मी आएंगी 1-2 महीने के बाद, तो उसके लिए अभी जैसे डिस्काउंट मिल रहा है तो डेफिनेटली मैंने उसे बाय कर लिया। आपको 700-800 रहते हैं, लेकिन उस वजह से मैंने से उनका भी रिव्यू हम आपके चैनल पे, अपने चैनल पे करेंगे, आप जरूर देख पाएंगे। ठीक है, तो नीचे ब्रांडिंग भी की हुई है, यहाँ पे आपको देखिए सामने से दोनों तरफ से ब्रांडिंग की गई है, और बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है लेकिन लाइट वेट, मजबूत और कूल दिखने वाला, यानी लुक एंड स्टाइल में बहुत ज़्यादा मतलब ये कमा जाएगा। और ये जो पीछे से जो स्टिचिंग की गई है ये अलग तरह से लेदर फिनिश की, तो ये इस चीज़ को और बेहतर ढंग से दिखाता है दूर से, मतलब आप कह सकते हैं। तो एक रनिंग शूज़ होने चाहिए, अगर शूज़ कलेक्शन की बात करें तो एक रनिंग शूज़ होने चाहिए, एक फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, ब्राउन या ब्लैक, अगर आप ब्राउन पसंद करते हो ब्राउन। ठीक है, एक मॉन्क जो शूज़ होते हैं वो होने चाहिए आपके पास। तो अभी क्या टाइम टू टाइम अपडेट तो होना चाहिए लाइफस्टाइल में। ठीक है, कैनवास शूज़ होना चाहिए आप में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पहनेंगे तो आपके लुक्स और स्टाइल में इन्हांसमेंट होता है। और मैंने अपने चैनल पे भी आपको जो शूज़ का है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे वो 5-6 जो शूज़ हैं वो मैंने रिव्यू करके, एक लेडीज़ का यानी मेरे मॉम के लिए मंगवाया था वो कैंपस का, वो भी आप जरूर हमारे चैनल पे जरूर देख पाएंगे। तो आप यहाँ से देख रहे हैं जैसे किस तरीके का कूल है। ठीक है,
पता नहीं आपको जितना कितना जस्टिफाई कर रहे, लेकिन मैंने इसे एक मॉडल को पहने हुए देखा था, तो मैंने एकदम सेम कलर का, मैं आपको फोटो होगा तो मैं ज़रूर आपको कम्युनिटी वाले में मैं पोस्ट कर दूंगा, एकदम सेम शूज़ पहने उसने और ये बहुत ही कूल लग रहा था, उस वजह से मैंने इसे बाय किया। और अपने पास नहीं था कोई वाइट शूज़, तो डेफिनेटली इसलिए मैंने कलेक्शन में सोचा कि ऐड करें, बहुत दिनों के बाद मैंने वाइट खरीदे हैं, ठीक है, पहले हम हमारे पास थे लेकिन अभी नहीं थे, तो टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी चीज़ों के मामले में कुछ सोचना नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल है और आप लोग के लिए उम्मीद से खड़ा उतरेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए मैंने ये पहना है, आपको मैंने पहन के फोटो भी दिखा दो, एक मॉडल का भी फोटो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और शूज़ कलेक्शन में आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, आपको वहाँ पर जो मैंने मेरे पास जो है मैंने रिव्यू किए, आने वाले दिनों में और भी चीज़ें आपको देखने को मिली, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है वो मॉडल जिसने ये पहना था, देखिए सीम पीछे कलर का है, और ये टी शर्ट मैंने परचेज किया तब मैंने मेरी नज़र इसके शूज़ पे गई थी, तो ये टी शर्ट का ऐड कर रहे थे और तो शूज़ बहुत अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से अगर आप ऐसा आउटफिट चाहते हैं, ऐसा कूल दिखना चाहते हो, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपसे ये उम्मीद है। थैंक यू सो मच।